आज की वीडियो में हम स्टीव जॉब्स की लाइफ और उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं उनका कोट है कि यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल सम हाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग योर गड्स डेस्टिनी लाइफ कर्मा वट दिस अप्रोच हैज ने लेट मी डॉन एंड इट हैज मेड ऑल द डिफ्रेंस इन माई लाइफ लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं नाकामियों का सामना हमें करना पड़ता है लाइफ में बहुत बड़ा सेट बैक भी आ जाता है जब भी कोई नाकामी हो जाती है तो उस वक्त हम घबरा जाते हैं हमें समझ नहीं आती कैसे इस नाकामी से बाहर निकलें जब भी नाकामी होती है तो हम परेशान हो जाते हैं यही सोच माइंड में चल रही होती है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ फिर ऐसा होता है कि वो वक्त गुजर जाता है और हम फ्यूचर में देख लेते हैं कि माजी में जो मेरे साथ अच्छा हुआ था या बुरा हुआ उसका क्या मतलब था स्टीव जॉब्स बुनियादी तौर पर कहना ये चाहते हैं कि लोगों की लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो इसका कोई ना कोई मतलब होता है इसकी कोई ना कोई वजह होती है इसकी कोई ना कोई रीज़न होती है जब प्रॉब्लम आता है तो उस वजह की समझ नहीं आती लेकिन मुस्तबिल में उस प्रॉब्लम की वजह समझ आ जाती है लाइफ में जब भी कोई बहुत बड़ा से, सेट बैक हो जाए और लगे कि अब तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ तो उस वक्त ये सोचना है कि अभी तो बहुत बड़ी नाकामी हो गई है लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब यही नाकामी बहुत बड़ी कामयाबी की सूरत में मेरे सामने होगी जब इंसान की लाइफ में बड़ बहुत बुरा हो जाए तो उसका पॉजिटिव उसको पॉजिटिव वे में लेना है ये समझ लेना है कि आज बुरा हुआ है कल इसी वजह से कुछ शानदार होने वाला है जब इंसान इस तरह सोचता है तो वो हमेशा कामयाब होता है और इसी का नाम पॉजिटिव माइंडसेट है इसी को पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं स्टीव जॉब्स कहना ये चाहते हैं कि पास्ट में इंसान की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं फ्यूचर में वही प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी कामयाबी लेके आते हैं इसलिए कभी भी इंसान को मसायल से घबराना नहीं चाहिए स्टीव जॉब्स जब नौजवान थे तो दुनिया के बेहतरीन कॉलेज में पढ़ते थे मालूम नहीं उनके जहन में क्या बात आई और उन्होंने दुनिया के बेहतरीन कॉलेज को एकदम छोड़ दिया दुनिया के बेहतरीन कॉलेज को छोड़कर उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेज लेना शुरू कर दी एक आम से स्कूल में उस वक्त सब ने स्टीव जाब्स पर तनकीद की कि एक बेवकूफ़ इंसान है वालदे ने माशरे ने सब ने सब ने कहा एक कैसा बंदा है जिसने बेहतरीन कॉलेज में तालीम को छोड़ दिया और एक आम से स्कूल में कैलीग्राफी सीखनी शुरू कर दी बाहिर ये एक नाकामी थी लेकिन बहुत अर्सा बाद जब स्टीव जाब्स ने पहला लैपटॉप बनाया तो उसमें जो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए वो कैलीग्राफी क्लासे की क्लासेस की वजह से मुमकिन हो पाया इन फ़ॉन्ट्स की इंस्पिरेशन स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी की तालीम की वजह से मिली और बाद में इन्हीं फ़ॉन्ट्स ने कंप्यूटर में इनकलाब बरपा कर दिया था कैलीग्राफी की क्लासेस की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन बरपा कर दिया वो कहते हैं कि जब मैं कैलीग्राफी की क्लासेस ले रहा था उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्लासेस मैं क्यों ले रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में इन्हीं क्लासेस की वजह से मुझे बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिली स्टीव जॉब्स कहते हैं कि इंसान जो भी करता है वो बेकार नहीं होता हर काम की कोई ना कोई वजह होती है जो हमें बाद में समझ आती है वो कहते हैं कि हर नाकामी में ही कामयाबी छुपी होती है हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम नाकामी में उलझ जाते हैं फंस जाते हैं रोते धोते रहते हैं और सारी ज़िंदगी जो है ना इस नाकामी पर गिला शिकवा करते रहते हैं और सारी जिंदगी नाकामी को लेकर रोते धोते रहते हैं कामयाब होना है तो कभी भी नाकामी पर गमजदा नहीं होना हमेशा सोचना है कि यही मेरी नाकामी एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस में बदल जाएगी स्टीव जॉब्स का एक और कोट है कि जिसमें वो कहते हैं कि द इनोवेशन डिस्टिंगश बिटवीन लीडर एंड अ फॉलोअर ये कौन बिजनेस से रिलेटेड है बिज़नेस की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं दो तरह के इंसान होते हैं एक वो हैं जिन्हें मार्किट लीडर्स कहा जाता है ऐसे लोगों को इनोवेटर्स भी कहा जाता है इन मार्किट लीडर्स की सोच सच से बुलंद होती है ये बड़े काम करते हैं और बाकी बिजनेस के लोग इनको जो है वो फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स इन्ोवेशन इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर दुनिया के किसी भी शोबे की रिसर्च कर लें यही दो किस्म के लोग आपको मिलेंगे एक इनोवेटर और दूसरे फॉलोअर्स इनोवेटर्स हमेशा कुछ नया करते चले जाते हैं ऐसा कुछ जो दूसरे करने के बारे में सोच भी नहीं सकते और दूसरे वो होते हैं जो इनोवेटर्स को कॉपी करते चले जाते हैं स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अजमत की बुलंदियों को आप छूना चाहते हो तो फॉलोअर्स की बजाय इनोवेटर्स बनो लीडर्स मीन्स टू इनोवेट एंड फॉलोअर्स मीन्स टू कॉपी दिस इनोवेशन इनोवेशन का मतलब है मार्केट नीड को समझकर एक्ट करना लीडर्स का ध्यान हमेशा अपने कस्टमर्स पर होता है कि वो क्या चाहते हैं लीडर्स हमेशा कुछ कुछ ना कुछ इनोवेट्स करते हैं हमेशा ये सोचते हैं कि क्या हो सकता है क्या किया जा सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि कस्टमर्स डिलाइट हो जाए वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस पर से भी आगे सोचते हैं और फॉलोअर्स हमेशा कस्टमर्स की नीड्स तक महदूद रहते हैं वो नहीं सोचते कि कस्टमर्स चाहते क्या हैं इनकी तवक़ात क्या है इनोवेटर्स हमेशा सोचते हैं कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए और कैसे जो है वो है आगे बढ़ा जा सकता है लेकिन जो है वो जो फॉलोअर्स हैं वो जो हो चुका है वही करते रहते हैं वही जो हो चुका है उसी को रिपीट करते रहते हैं दिस इज द बिग बिग डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर्स स्टीव जाब्स का एक कॉल है और वो बहुत पॉपुलर कॉल है कि बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द दिट्री डज नॉट मैटर टू मी गोइंग टू बेड इन नाइट सेंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल दैट्स वट मैटर्स टू मी देट्स वट मैटर्स टू मी स्टीव जॉब्स इस कोर्ट में कहना ये चाहते हैं कि इन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं पैसा कोई जो है वो पैसा कोई मैटर नहीं करता उनके लिए कब्रिस्तान लाखों अमीर लोगों से भरे पड़े हैं जी वहाँ ये मैटर नहीं करता कि आप अमीर हो या गरीब हो सब मट्टी में मिल चुके हैं स्टीव जाब्स के लिए पैसा अहम नहीं था लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है पैसा अहम ज़रूर था लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं था अल्टीमेटली स्टीव जॉब्स के लिए पैसा जो है वो मैटर नहीं करता स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जब भी वो कुछ ढंग का काम करते हैं जब भी वो कुछ कमाल का करते हैं तो लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं ज़िंदगी का वो लुत्फ़ लेते हैं इस तरह खुश रहते हैं इस तरह तो हर रोज़ वो इसलिए कुछ ना कुछ नया करते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे सुकून मिलता है जिससे वो आराम से रात को सो सकते हैं ज़िंदगी के हर लम्हे में ग्रो करते चले जाओ सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं अंदर की दुनिया में भी ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट है इसी कोर्ट में स्टीव जॉब्स यही कुछ कह रहे हैं जब इंसान हर लम्हा ग्रो करता है तो ही लाइफ दिलकश हो जाती है पैसा कमाते जाओ और ग्रो रुक जाए तो ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं है जी ऐसी जिंदगी में फिर कोई मजा नहीं है ऐसी जिंदगी फिर आप मजे की जिंदगी फिर आप जी नहीं सकते काम करना ही है तो किस लिए करें टू तो क्रिएट समथिंग वंडरफुल खुश रहना है पुरसकून रहना है तो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करें ताकि कुछ 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 नया मुमकिन हो कुछ नया सीख सके कुछ वंडरफुल काम कर सकें जीम लोगों की थाट प्रोसेस आम लोगों की थाट प्रोसेस से मुख्तलिफ होती है आम लोग पैसों के पीछे पागल हो जाते हैं और स्टीव जॉब जैसे इंसान खुशी और सुकून और ग्रोथ के लिए कुछ नया करते हैं ऐसे लोग पैसे भी बेताशा कमाते हैं और हर लम्हा खुश भी रहते हैं कि आज उन्होंने कुछ वंडरफुल किया पीपल लाइक स्टीव जॉब्स यूज़ मनी टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल बींग द richest man in the cemetery does not matter to me going to bed at night saying we have done something wonderful that's that's what matters to me no giovanni में जो है वो steve jobs इंडिया में जा कर एक आश्रम में भी रहे हैं मशर्की फलस्वे में इनकी लाइफ का इनकी लाइफ का बहुत हिस्सा रहा है वो अपनी बाद की ज़िंदगी में बुद्धिस्ट भी रहे हैं और स्टीव जॉब्स को पैसे की हमेशा कभी भी फिक्र नहीं रही उन्होंने वाल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कब्र ये ऊपर जो मैंने अंग्रेज़ी में बताया था कि कब्रिस्तान में अमीर तरीन शख्स होने से मुझे कोई गर्ज नहीं है मेरे लिए अहम यह है कि मैं रात को सोते वक्त ये कह सकूँ कि हमने हम मैंने कुछ ऐसा ज़बरदस्त काम किया है स्टीव जॉब्स ने अपनी अपनी इजादात से अरबों डॉलर्स कमाए वो दुनिया के चंद खरपति अफराद में से एक थे स्टीव जॉब्स अब इस दुनिया में नहीं रहे सिर्फ फिफ्टी सिक्स ईयस के एज में कैंसर की मर्ज़ की वजह से बीमारी की वजह से वो इंतकाल कर गए थे अजीम इंसान थे उनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनकी थाट प्रोसेस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनकी थाट प्रोसेस ऐसी है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है अपनी जिंदगी को बदलना है अपनी जिंदगी में कुछ इनोवेट करना, करना है कुछ इनोवेशन लानी है कुछ क्रिएटिव करना है कुछ वंडरफुल करना है तो इन जैसे लोगों से सीखें इनकी थॉट प्रोसेस को सीखें यह नहीं कि इनकी बायोग्राफी पढ़ते रहें इनकी हिस्ट्री पढ़ते रहें इनसे सीखें कि किस तरह सोचते थे अजीम लोग होते कैसे हैं ये सोचते कैसे हैं क्या वो सिर्फ पैसों के लिए पागल होते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि वो खुश रहते हैं ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं और खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं थैंक यू सो मच एंड लव यू आल